नमस्ते, मैं डॉक्टर रश्मि सातपुते, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, मणिपाल हॉस्पिटल बानेर से। आजकल यूथ में हर किस्म का एडिक्शन बढ़ रहा है, लेकिन इस वीडियो में हम अल्कोहल अब्यूज़ के बारे में जानेंगे। अल्कोहल अब्यूज़ ये सोशल ड्रिंकिंग और लत की बीच की स्टेज है, जिसमें अल्कोहल के सेवन से किसी भी व्यक्ति को सामाजिक, शारीरिक और मानसिक नुकसान होता है, लेकिन उसे पूरी तरह से लत नहीं लगी है। अल्कोहल अब्यूज़ टीनेजर्स में काफ़ी बढ़ रहा है। सबसे पहला कारण है गलतफहमी। बच्चों को लगता है वाइन और बियर ये कोई अल्कोहल नहीं है। आजकल के कॉम्पिटिटिव ज़माने में बच्चों को भी काफ़ी स्ट्रेस है। तनाव कम करने के लिए बहुत बार बच्चे अल्कोहल का सेवन करते हैं। तीसरा कारण है पीयर प्रेशर। किसी भी ग्रुप ने अपनाने के लिए भी उनके साथ अल्कोहल का सेवन कर लेते हैं। चौथा पॉइंट है फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में किसी को अल्कोहल एडिक्शन है तो चांसेस है कि बच्चा अल्कोहल अब्यूज़ करे। पाँचवा कारण ये है कि बहुत बार पेरेंट्स में अगर डिस्प्यूट हो, बार बार फाइट हो, तो बच्चा अल्कोहल की तरफ बढ़ता है और अब्यूज़ होता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि अगर कोई एक पेरेंट अल्कोहल का सेवन करता है तो बच्चा अल्कोहल अब्यूज़ कर लेता है। आजकल टीवी देख के बच्चे अल्कोहल का सेवन करते हैं कूल लगने के लिए, इन्फ्लुएंस होके। बच्चे के व्यवहार में बदलाव आता है, उल्टा जवाब देना, बात नहीं मानना, उसके कंसंट्रेशन में डिफ़िकल्टी आती है, पढ़ाई करने में डिफ़िकल्टी आती है, स्कूल से भी कंप्लेंट्स आती है बिहेवियर को लेके, पढ़ाई को लेके। इसके अलावा जो चीज़ों में उसे रुचि आती थी उसमें मन नहीं लगता, बेचैन रहता है। आप देखेंगे कि बच्चे में कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम हो रही है, जैसे लिखने में डिफ़िकल्टी होना, या कभी कभी चलने में डिफ़िकल्टी होना, या खेलने में डिफ़िकल्टी होना। इसके अलावा कभी कभी अल्कोहल की मात्रा अगर ज़्यादा हो तो बच्चों में स्लर्ड स्पीच आती है, माने उनकी स्पीच क्लियर नहीं होती है, अस्पष्ट होती है। अल्कोहल अब्यूज़ का डायग्नोसिस एक डिटेल्ड हिस्ट्री से पता चलता है, जो पेरेंट्स से लेते हैं और बच्चे से लेते हैं। अल्कोहल अब्यूज़ का उपचार है, सबसे पहले अल्कोहल अब्यूज़ की वजह से अगर फिजिकल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं तो उसे हम दवाइयों से ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अल्कोहल अब्यूज़ का कारण अंडरलाइंग डिप्रेशन या एंग्जाइटी है तो उसे भी हम दवाइयों से और काउंसलिंग से ठीक कर सकते हैं। अल्कोहल के बारे में बच्चे को डिटेल में जानकारी देनी चाहिए और उसके मानसिक, शारीरिक और सामाजिक दुष्परिणाम बताने चाहिए। बच्चों के ट्रीटमेंट में स्कूल का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, जिसमें स्कूल उनको अल्कोहल के बारे में अवेयर कर सकती है। पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, घर का वातावरण शांत और पॉजिटिव रखना है। अल्कोहल अब्यूज़ पूरी तरह से ठीक हो सकता है, लेकिन ये एडिक्शन में भी कन्वर्ट हो सकता है, जो बच्चे के स्वभाव पे, स्ट्रेस पे और एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। अल्कोहल अब्यूज़ से फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, जैसे लीवर ख़राब होता है, गैस्ट्राइटिस होता है, एक्सेट्रा। अल्कोहल अब्यूज़ से साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है, माने अल्कोहल के नशे में इंसान सुसाइड अटेम्प्ट भी कर सकता है। इसके अलावा अगर अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो कोमा और आगे जाके डेथ भी हो सकती है। तो ये सब अल्कोहल अब्यूज़ के वजह से गंभीर समस्या हो सकती है। पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले उनका बॉन्ड बच्चे के साथ स्ट्रॉन्ग बनाना है। दूसरी बात, उनके हर एक एक्टिविटी में उन्होंने इन्वॉल्व होना है। पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि बच्चे का स्कूल में व्यवहार और पढ़ाई कैसे चल रही है। बच्चों के फ्रेंड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि उनके दोस्तों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए।